हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मंडल एजुकेशनल जेट में। और आज हम सीखने वाले हैं किस तरह बड़े से बड़े नंबरों का क्यूब रूट को हम सिर्फ चुटकी बजाते हुए सिर्फ 2 सेकेंड में निकालेंगे। जी हाँ, 2 सेकेंड में। क्या इतना बड़ा बड़ा नंबर का भी क्यूब रूट निकाला जा सकता है? जी हाँ, निकाला जा सकता है। ये क्या, इससे भी बड़े बड़े नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 सेकेंड में, बशर्ते हमें ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। तो अगर अचानक एग्ज़ाम में आ जाता है कि इतने बड़े बड़े क्यूब रूट से हमारा सामना पड़ जाता है, हम तो मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि समय को भी देखना पड़ता है, टाइम को भी देखना पड़ रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, दूसरे सम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, अगर इसका बताया जाए कि 2 सेकेंड में आपको बताना है इसका क्यूब रूट क्या होगा, मैं तो बता दे रहा हूँ, इसका 72 होगा, इसका 78 होगा और इसका 32 होगा। जी हाँ, यही होगा। अगर विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लें। आपको लग रहा होगा शायद मैंने याद करके लिख दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं, सब ट्रिक्स का कमाल है। ट्रिक्स अगर आप सीख जाते हैं तो आप 2 सेकेंड में आप भी कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे भी फास्ट कर सकते हैं। तो चलें ट्रिक्स को सीखते हैं। पहले ट्रिक्स को सीखने से पहले हमें 1 से 9 तक के नंबर्स के क्यूब तो पता होने ही चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1 का जब क्यूब हो रहा है तो यूनिट डिजिट में भी 1 है, 4 का क्यूब हो रहा है तो यूनिट डिजिट में भी 4 है, 5 का क्यूब हो रहा है तो यूनिट डिजिट में 5 है, 6 का क्यूब में भी यूनिट डिजिट में 6 है और 9 का क्यूब में भी यूनिट डिजिट में 9 है। यानी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट में जैसे कि यहाँ 1 है, जैसे कि यहाँ 8 है, तो अगर जैसे यहाँ 6 है, तो अगर यूनिट डिजिट में अगर इसी तरह अगर 1 है तो हम 1 लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, और अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे और 9 है तो 9 लिखेंगे। बस यही ट्रिक्स है इसके पीछे। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट 2 है तो 8 लिखेंगे और 8 है तो ठीक उसका उल्टा यानी 2 लिखेंगे, अगर यूनिट डिजिट में 3 है तो 7 लिखेंगे और 7 है तो 3 लिखेंगे, और अगर 8 है तो 2 लिखेंगे और अगर 2 है तो ठीक उसका उल्टा यानी 8 लिखेंगे। बस हो गया, इतना ही जानना है और हम सवाल को चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल को लेते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट में जैसे मैंने देखा कि 1 है तो 1 है तो हम लोग 1 ही लिखेंगे, और लास्ट से लास्ट का 3 डिजिट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब बच गया 29, 29 को देखेंगे, 29 किसके बीच में है, ये 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है, लेकिन 4 क्यूब क्योंकि 64 बड़ा हो जाएगा और 3 क्यूब 27 क्योंकि छोटा है, इसीलिए हम लोग 3 को लेंगे, 4 को इग्नोर करेंगे और इसका आंसर आ गया क्यूब रूट 31। जी हाँ, यही आंसर है। आश्चर्य होने की कोई बात नहीं, बस सिंपल ट्रिक्स को हम लोग अप्लाई करते जाएंगे और आंसर हमें मिलता जाएगा। अब देखते हैं 32768, वही ट्रिक को काम में लगाना है। पहले देखेंगे यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है, 8 है तो हमें क्या करना है, बताए थे अगर 8 है तो हम 2 लिखेंगे, तो ये 2 लिख दिए हम। अब आखिर का 3 डिजिट को छोड़ देंगे, बच गया 32, 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है, 4 क्यूब बड़ा हो जाएगा, 3 क्यूब 27 क्योंकि छोटा है तो हम 3 को ही लेंगे 32। ये तो बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स को सीख ले रहे हैं तो आप तो फटाफट ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसी तरह 79507, आप लोग भी सोचिए फटाफट क्या हो सकता है। जैसे कि यूनिट डिजिट यहाँ 7 है, 7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे, और मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 डिजिट्स लास्ट से हम इसको इग्नोर करेंगे, बच गया 79, 4 क्यूब यानी 64 और 5 क्यूब यानी 125 के बीच में है, यानी 4 क्यूब 64 छोटा है, 5 क्यूब 125 बड़ा है 79 से, इसलिए 5 क्यूब को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 4 को ही लेंगे और यहाँ 4 बैठा दिए। है ना मज़ेदार, कितना मज़ा आ रहा है करने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। 300763 आखिर में क्या है? आखिर में है 3, और आखिर में अगर 3 है तो क्या करना है दोस्तों? 7 लिखना है, और हम 7 ही लिखेंगे और लास्ट से 3 डिजिट को छोड़ देंगे। बच गया 300। 300 किसके बीच में है? 6 क्यूब यानी 216 और 7 क्यूब 343, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है तो 7 को नहीं लेंगे, 6 को लेंगे और 6 यहाँ बैठा देंगे और ये लो आंसर आ गया। फटाफट हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। उसी तरह 373248 यहाँ भी हम लोग देखेंगे 8। अगर 8 है तो हम लोग क्या लेंगे? 2 को लेंगे। चलिए 2 बैठा दिए, आखिर का 3 डिजिट को तो छोड़ देना है। अब आ गया 373 किसके बीच में है? 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में। 7 क्यूब हो गया 343 और 8 क्यूब हो गया 512, क्योंकि 512 तो बड़ा है 373 से, ये हो ही नहीं सकता। तो यानी 7 क्यूब 343 पॉसिबल है, तो हम लोग 7 को लेंगे और इसका भी आंसर हम लोग फटाफट निकाल दिए हैं। अब आता है 175616 क्या करेंगे? वही ट्रिक्स को लगाएंगे। 6 है, आखिर में अगर 6 है तो 6 ही बैठा देंगे। लो 6 मैंने बैठा दिया। अब आ गया 175 किसके बीच में है बताइए? 5 क्यूब यानी 125 और 6 क्यूब 216, क्योंकि 216 तो बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे हम लोग, 5 को ही लेंगे और ये 56 का ही क्यूब है। और इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब बात हो रहा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। वेल, एप्लीकेशन होता है जिस तरह एग्जामिनेशन में जब हम लोग वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम का काम करते हैं, 4y3πr³, इस तरह का कुछ कहानी बन जाता है। और कहीं केस ऐसा आ गया r³=175616, यानी ये वाला नंबर आ गया, हम लोग को अब सोच में नहीं पड़ना है। हम लोग जस्ट ये ट्रिक लगाएंगे और फटाफट लिख देंगे r=56 और चुटकियों में हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आज का क्लास सचमुच में मज़ेदार लगा है तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही, और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक्स को सीख सकें। वेल, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।